नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एचईएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फुल्ली सोल्ड, जो कि 2015 में हुआ था। आज इसका पार्ट सिक्स है ये। इससे पहले पांच पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और ये टाइप करेंगे आप youtube.com/bhishamdat तो आपके सामने मेरे बनाए गए सभी वीडियोस आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट कवर्ड अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा राजनीतिक पर्यावरण से आच्छादित नहीं है, यानी कि राजनीतिक पर्यावरण में कौन सा फैक्टर, कौन सा तत्व तो इनमें से नहीं आता है जो ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शन हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक सीमाएं, डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, शासन के दिशा निर्देश। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है किसी बिजनेस के संदर्भ में, किसी बिजनेस के संदर्भ में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारी बातें शामिल आ जाती हैं जो सरकारी एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन होते हैं और वो अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस के ऑपरेशंस को। तो किसी भी प्रकार से कोई भी सरकारी कार्य जहाँ पे सरकार का एक्शन जुड़ा हुआ हो, अगर वो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में जब देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है इसका सरकार से जुड़ाव नहीं है। ये सोशल, एक सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ, सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि बी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए बी ही इसमें ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड स्टेटमेंट, विषम कथन को इंगित कीजिए। तो विषम यानी कि इनमें से ऑड कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो बाकी तीन से अलग है। तो इसलिए इनको चारों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है ऐसे केस में, काफी ध्यान से, क्योंकि उनमें सिमिलरिटी पता लगाना है। सबसे पहले देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम लीगली, यानी कि कर आयोजन या कर नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो कर दायित्व को कम करना होता है, न्यूनतम करना होता है, लेकिन कानूनी नियमों में रह करके, कानूनी दायरे में रह करके। नेक्स्ट है, टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाई नॉट शोइंग द एक्चुअल इनकम। टैक्स लायबिलिटी को, कर के दायित्व को हम इस तरीके से भी कम कर सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को, अपनी इनकम को ही कम करके दिखाएं, हम कम आंख के दिखाएं, किसी इनकम को छुपा लें, तो टैक्स लायबिलिटी तो कम इससे भी हो जाएगी। टैक्स प्लानिंग, लेकिन ये जो वे है ये लीगल नहीं है, नैतिक भी नहीं है, अनैतिक तरीका है। नेक्स्ट है सी, टैक्स प्लानिंग इज वेरी वाइड इन इट्स कवरेज एंड इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। जो टैक्स प्लानिंग है वो बहुत विस्तृत है अपने क्षेत्र में, और इसमें टैक्स मैनेजमेंट भी, जो कर प्रबंध है वो भी शामिल रहता है। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, टैक्स प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। इट प्रोवाइड सब्सटेंशियल बेनिफिट पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग रन, यानी कि दीर्घ अवधि में, दीर्घ काल में ये लाभ प्रदान करती है अगर हम फ्यूचरिस्टिक उद्देश्य को लेकर करते हैं। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, या जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं, या कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो ये टैक्स प्लानिंग भी है, फ्यूचरिस्टिक है, और लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट भी देती है। एक तो हमारा टैक्स का बचा हुआ, दूसरा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। खैर, हमें देखते हैं कि इनमें से और कौन सा है। तो शायद अब तक समझ आ गया होगा कि इनमें से और कौन सा है, ये भी लीगल तरीका है, ये भी लीगल है, जायज है, ये भी स्टेटमेंट जायज है, लेकिन ये जो टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय नॉट शोइंग द एक्चुअल इनकम, इसको टैक्स प्लानिंग नहीं कहा जाएगा, ये ठीक तरीका नहीं है, ये टैक्स एवेशन का तरीका है जो कि नाजायज है, गैरकानूनी है। तो इसलिए यही इसमें ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब ये बाकियों से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस सिलेक्टेड बाय कंपटीशन लॉ। तो इंडिया में पहले MRTP एक्ट था कंपटीशन के लिए, अभी कंपटीशन एक्ट 2002 है, कंपटीशन एक्ट 2002, जिसको जनवरी 2003 में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की सहमति मिली। तो हम देखते हैं कि वो
इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रतिस्पर्धा विधि यानी कि जो प्रतिस्पर्धा आयोग कानून भी कह सकते हैं इसको, इसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, इस कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बना हुआ है, तो वो इन सब पे ध्यान भी रखता है कंपटीशन पे। खैर हमें देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे विषय हैं जिनको प्रतिबंधात्मक व्यवहार कहा जाता है या रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मार्केट एलोकेशन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस फिक्सिंग, एंड नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट ऑफ आउटपुट, और नेक्स्ट ऑप्शन है ABC यानी कि पहला बाजार आवंटन। देखो मार्केट एलोकेशन होता क्या है, जब कुछ जो बड़े व्यवसायी होते हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपस में बातचीत करके मार्केट एलोकेट कर देती हैं कि देखो तुम ये मार्केट कवर कर लो और मैं वो मार्केट कवर कर लूंगा और एक दूसरे के मार्केट में हम दूर रहेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये लीगल नहीं होता है लेकिन वो एक अपना आपस में बातचीत करके इसको करते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन को कम करने की कोशिश होती है, इसलिए ये कॉम्पिटिशन लॉ के तहत रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस है। दूसरा प्राइस फिक्सिंग, मूल्य निर्धारण। तो प्राइस फिक्सिंग अगर नॉर्मली तो सभी बिजनेस अपना प्राइस फिक्सिंग करते हैं, लेकिन अगर प्राइस फिक्सिंग का उद्देश्य ये हो जाए कि ग्राहकों से ज़्यादा पैसा लेना, और आपस में तय कर लेते हैं सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो ओलिगोपोलिक सिचुएशन के केस में ऐसा हो पाता है, वो एक कार्टेल बना लेते हैं और कार्टेल बना करके मनमाने प्राइस तय करते हैं जो जस्टिफाइड नहीं होते हैं, तो ये जब जस्टिफाइड नहीं होंगे उस केस में ये भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस बन जाएगा। और रेस्ट्रेंट ऑफ आउटपुट, उत्पादन प्रतिबंध, ये उत्पादन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये भी जो है ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है कंपटीशन आयोग में, अगर इसका उद्देश्य हो ज़्यादा प्राइस बढ़ाना, लोगों से अननेसेसरी बेनिफिट लेना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे करंट में अभी जो ओपेक कंट्रीज हैं, जब ऑयल का प्राइस गिरता है तो वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सभी ओपेक बना ही इसीलिए है, हालांकि वो इसको अपने उद्देश्य में ये नहीं लिखते हैं, उद्देश्य में अच्छी चीज़ लिखेंगे, लेकिन रियल में ये क्या करते हैं, उत्पादन पर प्रतिबंध लगाते हैं, एक दूसरे देश को कहते हैं कि भाई आप कम करो उत्पादन, इससे क्या मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई कंपनी पता चलता है कि वो ऐसा कर रही है और वो सिद्ध हो जाता है तो कंपटीशन कमीशन आयोग उस पर जुर्माना लगाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ABC तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, उपभोक्ता शिक्षण एवं शोध केंद्र या शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो CERC है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर ये अहमदाबाद में है, गुजरात में ये सेटअप किया गया था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CERC, इसको सेटअप किया गया था 1978 में। और देखो सेटअप ये प्राइवेटली एकदम सेटअप ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत भी बिल्कुल हुई थी जो बसों में किराया बढ़ जाता था अचानक, उसके लिए कुछ लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी कि भाई हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये बिना पूछे नहीं बढ़ा सकते हैं किराया, अननेसेसरी नहीं बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन प्रॉफिट है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक NGO है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। आज इसका साइज बहुत बड़ा है, इंडिया लेवल पे इसकी काफ़ी मान्यता है और इसके पास लेबोरेटरीज हैं, इसके पास एकदम मॉडर्न लेबोरेटरीज हैं कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को चेक करने से रिलेटेड। तो कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर लोकेटेड है कहाँ पे, अभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद, हालांकि इसमें ऑप्शन दिए थे जयपुर, पुणे, दिल्ली, ये सब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड, बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले जानिए क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हों, तो उसके कई पार्ट हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिनको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है, उनमें से ही एक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता क्या है सबसे पहले जानिए, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है इट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सभी एक्सटर्नल बाहरी इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स को अफेक्ट करते हों, जैसे महंगाई आ गई तो उनकी हैबिट में सुधार आएगा कि वो कम खर्च करेंगे, तो इसी तरीके से एंड बिजनेस और बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं, और देयरफॉर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, और इस तरीके से वो किसी कंपनी की परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालते हैं, ये रहता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो आर्थिक पर्यावरण में शामिल नहीं होगा, व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण में शामिल नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, तो पढ़ते हैं एक बार। पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली, तो इकोनॉमिक सिस्टम तो शामिल होगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, ये भी शामिल होगा जो सरकार बनाती है इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, ये भी शामिल होगा। सोशल कस्टम्स, तो ये नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है सोशल कस्टम, ये सोसाइटी से रिलेटेड है और इसलिए ये सोशल एनवायरनमेंट में आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक दशाएं, तो ये भी बिल्कुल आएगा, आर्थिक दशाएं इकोनॉमिक कंडीशन जैसी होंगी उसका असर उपभोक्ता पे पड़ता है, व्यवसाय पे भी पड़ता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सोशल कस्टम्स, यानी कि सोशल कस्टम जो सामाजिक परंपराएं हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मार्जिनल रिलीफ ऑन इनकम टैक्स इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर पर सीमांत छूट उपलब्ध है। तो सबसे पहले ये जो मार्जिनल रिलीफ, ऐसे तो रिलीफ बहुत सारी धाराओं में है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ करके एक कॉन्सेप्ट आया इनकम टैक्स एक्ट में, और वो मार्जिनल रिलीफ रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड था, जो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट था, रिलैक्सेशन फ्रॉम लेवी ऑफ सरचार्ज टू ए टैक्स पेयर वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स मार्जिनली अबव रुपीज 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। जब किसी टैक्स पेयर की इनकम 50 लाख से थोड़ा ज्यादा, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा बढ़ती हो और उस पे जो सरचार्ज लगता है, कई दफा वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें चेक करके देखते हैं कि मार्जिनल इनकम को जोड़ करके कितना सरचार्ज बन रहा है और मार्जिनल इनकम को हटा करके कितना सरचार्ज बन रहा है। तो अगर अननेसेसरी इतनी इनकम नहीं बढ़ रही है जितना उसके सरचार्ज की वजह से उसका जो टैक्स का लायबिलिटी है वो बढ़ गई है, ऐसे केस में उसको वो राहत मिल जाती है, तो उससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। डिटेल में समझने के लिए बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जल्दी करना चाह रहा हूँ, आज थोड़े क्वेश्चन बढ़ाना चाहूंगा, मैं बाकी दिन 10-10 डालता था, आज सोच रहा हूँ थोड़े क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं। इसमें से हालांकि इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ठीक नहीं था। ऑप्शन मैंने वही डाले जो दिए थे क्वेश्चन पेपर में, हालांकि ये जो धाराएं हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं और पूछा जाता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कोई जो धारा है इनकम टैक्स एक्ट की वो किससे रिलेटेड है, सेक्शन किससे रिलेटेड है, तो एक बार जान लेते हैं ये सभी के बारे में। सबसे पहला जो 86 है सेक्शन, ये है शेयर इन इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जो लोगों का समूह में अगर व्यवसाय करते हैं तो उनका आपस में जो शेयर होता है उससे रिलेटेड है। 87A जो है वो अब नहीं है, इसको ओमिट किया जा चुका है, काफी पहले इसको खत्म किया जा चुका है, हटाया जा चुका है। 88E जो है ये है रिलेटेड है उससे, रिबेट से, जो कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे मिलती है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से रिलेटेड है ये, ई स्पेसिफिकली रिबेट से रिलेटेड है उससे संदर्भ उससे रिलेटेड। और 89 जो है ये रिलीफ से रिलेटेड है, जो कि मिलता है एरियर या एडवांस ऑफ सैलरी पे, ये उससे रिलेटेड है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड विद डेफिनेशन ऑफ एमलमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अंडर AS 14, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त AS 14 द्वारा दी गई संविलियन की परिभाषा में शामिल नहीं की गई है। तो पहले तो एक बात जान लें कि ये जो AS हैं ये भी पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाने से पहले, अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन अभी जो नए जो जारी हो रहे हैं वो IFRS कन्वर्स्ड हो रहे हैं, जिनको इंड AS कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो AS हैं उनकी मान्यता नहीं रही है अब, दरअसल हुआ ये है कि चेंज आने के बाद भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जब तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे या उनकी जगह जब तक नया नहीं बन जाएगा तो जो पुराने हैं वही एग्जिस्ट करेंगे, तो AS अभी भी मान्यता में है, ऐसा नहीं है कि उनको सीज नहीं किया गया है। तो जो AS, कुछ AS हालांकि हट चुके हैं, तो जो AS अभी चालू हैं उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए एक दफे, उनका दायरा क्या है। हालांकि इस पे जो क्वेश्चन रहता है वो लगभग आसान रहता है, अगर एक दफे हम सारे AS को पढ़ लेंगे कि वो किससे रिलेटेड हैं तो लगभग सोल्व हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखते हैं AS 14 किससे रिलेटेड है, तो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन इसमें हालांकि पढ़ने पड़ेंगे जानने के लिए। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी।
हमें इसमें चेक ये करना है, ध्यान दें कि कौन सी डेफिनेशन है जो हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, जो नहीं आती है एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में। यानी कि ये चार चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एमलमेशन ऑफ मर्जर को बताती हैं, लेकिन एक कोई ऐसा होगा जो एमलमेशन को नहीं बताता है, यानी कि संविलियन में नहीं आता है, तो उसको हमें हटाना है और कुछ हटना है। तो पहला है, ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाई द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो अपना व्यवसाय दूसरी कंपनी को दे देती है, और ट्रांसफरी कंपनी उसको कहते हैं जिसको व्यवसाय मिल जाता है संविलियन के बाद। संविलियन होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम वो संविलियन देख रहे हैं जो नेचर ऑफ मर्जर है, जिसमें एक कंपनी मर्ज हो जाएगी दूसरी के साथ। जो कंपनी मर्ज हो जाएगी वो ट्रांसफरर कंपनी कहलाती है, तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी। यानी कि जो ट्रांसफर करने वाली कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो मर्ज हो रही है जो कंपनी, उसके ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 90% से कम नहीं हो, मतलब 90% से ज्यादा शेयर जिनके पास हो, वो नई कंपनी में भी शेयर होल्डर बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है वो चालू रखा जाता है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। वास्तव में इसीलिए तो होता है मर्जर के उसके बिजनेस को चलाया जाता है, हालांकि कुछ विशिष्ट केस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में उसके व्यवसाय को चलाने के लिए ही किया जाता है। जो ट्रांसफरी कंपनी वो व्यवसाय को खरीद लेती है और उसको बाद में चलाती है। नेक्स्ट है, कंसिडरेशन फॉर एमएलएमेशन मे बी पेड इन कैश और डिवेंचर ऑल्सो। तो जो कंसीडरेशन है एमलमेशन का, वो कैश में भी दिया जा सकता है और डिवेंचर्स में भी दिया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, इस मतलब ये जो बात है वो AS-14 से रिलेटेड नहीं है, इसका वर्णन AS-14 में नहीं है, तो इसलिए ये ही इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये और होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ producing 20,000 units of a product is 90,000 and if 25,000 units are produced then the total cost will be 105,000। मतलब अगर 20,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, 20,000 यूनिट्स का उत्पादन करते हैं, जो कुल लागत है उस समय आती है 90,000, और अगर हम 25,000 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत आती है 105,000। मतलब 5,000 यूनिट बढ़ने से कुल लागत बढ़ जाती है कितने रुपए, कुल लागत बढ़ जाती है अगर हम केवल 5,000 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो 15,000। तो 5,000 यूनिट के बढ़ने से कुल लागत बढ़ रही है कितनी, 15,000। अब देखते हैं आगे, पूछा गया है कि एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹8, सेलिंग प्राइस जो है वो ₹8 पर शेयर है, पर यूनिट है, ₹8 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹8 में बेची जाएगी। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए 10,000 यूनिट, सेकंड है बी 8,000 यूनिट, नेक्स्ट है सी 6,000 यूनिट और नेक्स्ट है डी 5,000 यूनिट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 6,000 यूनिट है। दफे इसको कैलकुलेट करके, दरअसल जब बीईपी निकाला जाता है यूनिट्स में तो उसका फॉर्मूला रहता है एफसी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी मतलब प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये चेक कर लेते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट जान लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है उस क्वेश्चन में चेक करते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 20,000 यूनिट जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल खर्चा था 90,000 टोटल कॉस्ट। जब 25,000 प्रोड्यूस की तो टोटल खर्चा हो गया 105,000। यानी कि 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से जो टोटल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई वो हुई 15,000। तो जो कॉस्ट बढ़ती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में एक वेरिएबल कॉस्ट शामिल रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है, तो बढ़ती नहीं है प्रोडक्शन बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट केवल बढ़ती है। तो 90,000 और 105,000 में जो बढ़ोतरी हुई 90,000 से 15,000 की हुई, तो ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स की जिनका हमने उत्पादन बढ़ाया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी इसमें ₹3। तो ₹3 वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आ गई ₹3। प्राइस क्वेश्चन में दिया है ₹8, ये प्राइस हो गया ₹8। अब हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका है, कोई भी एक आइटम ले लेते हैं पहले वाला, कि जब 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट थी 90,000। तो 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो 20,000 को गुना करेंगे 3 से,
तो 20,000 की जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले 3 से निकालेंगे वो हो जाएगी कितनी 60,000। अब देखेंगे 60,000 तो वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 की, तो 20,000 की जो टोटल कॉस्ट है 90,000, इसमें फिक्स्ड कितनी है 90 में से 60 लेस कर देंगे तो बचेगी 30,000, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 30,000। अब 30,000 को डिवाइड कर देंगे 8-3, यानी कि 8-3 कितना होगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट रेशियो इज, ये कौन सा रेशियो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट का ही एक टाइप रहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का हो, अपॉन टोटल एसेट। अब टोटल एसेट्स के साथ हम देख रहे हैं तो नेचुरली हम प्रॉफिट से रिलेट कर रहे हैं इसको, हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी देख रहे हैं, अर्निंग की एफिशिएंसी, तो ये किस टाइप का रेशियो होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये होगा क्योंकि हम अर्निंग की कैपेसिटी देख रहे हैं अपनी एसेट्स की, सोल्वेंसी नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, द टर्म डिप्लेशन इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन इन रिलेशन टू, देखो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट की कीमत में कमी होना और किसी भी कारण से, तो अब अलग अलग तरह की नेचर जो होती है जिन एसेट्स की उसके हिसाब से टर्म अलग अलग यूज हो जाती है, जैसे जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके लिए यूज होता है डेप्रिसिएशन, यूज डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है, और इंटेंजिबल जो एसेट होती हैं जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, उनके लिए होता है एमोर्टाइजेशन, और जो एसेट होती हैं इस टाइप की जिनमें से कुछ सामान निकलता हो, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं जैसे माइन है या कोयले की खदान है, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है डिप्लेशन। अब देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन यूज होता है इसके लिए, नेक्स्ट है गुडविल, एमोर्टाइजेशन होता है इसके लिए, और माइंस हाँ इसके लिए होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सी, 60 का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्टॉक एंड ट्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए पर्सन इंक्रीजेस ₹5,000 ऑन रिपेयर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन अवेलेबल इज, एक व्यक्ति इंक्रीजेस, ये हिंदी में लिखा है, एक व्यक्ति गृह संपत्ति की मरम्मत पर ₹5,000 व्यय करता है, यहाँ पे व्यय करता लिखा है, यहाँ पे बढ़ाता लिखा है, तो खैर जो भी हो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब अगर ₹5,000 कोई व्यक्ति अपने हाउस की मरम्मत पे कर रहा है खर्च, तो अब आते हैं डिडक्शन अवेलेबल, डिडक्शन कितनी अवेलेबल होगी, तो ऑप्शन से 5,000, 1,250, 10,000, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब इससे पहले हमें जानना होगा इससे पहले कि जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंडर इस संदर्भ में क्या कहा गया है, तो देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24 क्या कहता है, वो कहता है कि 30% ऑफ नेट एसेट वैल्यू इज अलाउड एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू में से नेट एसेट वैल्यू का 30% जो है वो अलाउड है डिडक्शन के लिए, और नेक्स्ट कहा है कि नो अदर एक्सपेंस सच एज पेंटिंग रिपेयर कैन बी क्लेम्ड एज टैक्स रिलीफ बियॉन्ड द 30% कैप अंडर दिस सेक्शन। अब जो 30% की कैप है उससे ज्यादा ना तो पेंटिंग ना रिपेयर के नाम पे हम कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके का टैक्स रिलीफ, तो नेचुरली इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, तब इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो होगा केवल 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, क्योंकि इससे ज्यादा क्लेम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 5 shares ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम टू मोहन ₹9 कॉल्ड अप, जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए 5 share, और जो 5 share फॉरफिट किए हैं वो ₹10 का प्रत्येक है, और वो इशू किए गए थे 10% प्रीमियम पे, यानी कि ₹10 पे 10% ₹1 प्रीमियम, और मोहन को इशू किए गए थे और उन पे कॉल्ड अप था ₹9 उन पे मंगाए गए थे, ऑन विच ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, जिस पे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट मनी पे ही प्रीमियम भी पेबल था ऑफ ₹3, ₹3 का अलॉटमेंट पेबल था जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम का पैसा, तो इसका मतलब ₹3 जो अलॉटमेंट पे है इसमें ₹2 उसका होगा शेयर का और ₹1 प्रीमियम का। नेक्स्ट है कॉल मनी ₹2 per share और कॉल मनी ₹2 per share मंगाया, व्हाट अमाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, तो देखिए ये बात जान लें कि शेयर फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट जाता है जो अब तक एक्चुअल में वो पे कर चुका होगा शेयर होल्डर, तो इसको देखते हैं हाँ
तो इसको सबसे पहले देखें कि टोटल कॉल्ड अप कितना है, 9 रुपये। अब ये ध्यान रखें कि जब 9 रुपये जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है उसमें कभी भी प्रीमियम शामिल नहीं करके बोला जाता है। कॉल्ड अप 9 रुपये, यानी कि 9 रुपये तो कैपिटल का ही मंगाया है, शेयर की वैल्यू का ही मंगाया है। इसमें से देखेंगे कि अलॉटमेंट पे उसने कितना नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे जो 3 रुपये थे, इस 3 रुपये में 1 रुपये तो प्रीमियम का है, यानी कि कैपिटल का केवल 2 रुपया है अलॉटमेंट पे जो उसने नहीं दिया, और कॉल का 2 रुपये इसमें दिया हुआ है, कॉल का 2 रुपये है जो उसने नहीं दिया। तो टोटल इसने दिया कितना नहीं, 4 रुपये। तो 9 में से 4 रुपये नहीं दिया, इसका मतलब कितना रुपया दिया उसने, 5 रुपया। तो 5 रुपये जो उसने दिया एक्चुअल में वही फॉरफिट होता है। फॉरफीचर होता है कि जब कोई शेयर होल्डर फर्दर कॉल्स नहीं देता है, तो कॉल नहीं देने के कारण कंपनी को राइट होता है डायरेक्टर्स को कि उसके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और जो पैसा उसने अब तक दिया हुआ है यानी कि ये जो 5 रुपया, इसको जब्त कर लिया जाएगा। तो 5 रुपये पर शेयर के रेट से 5 रुपये हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो 25 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3 On 30th June, after realizing assets, payment of all debts, and adjusting profit or loss on realization, their capital was rupees A 10,000, B 5,000, C 6,000 debit. C की जो capital वो debit है, यानी कि C insolvency में आ रहा है। C becomes insolvent, C insolvent हो जाता है, and loss due to his insolvency will be shared in accordance with the principle of Garner versus Murray. बाई ए एंड बी एन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं जो लाभ हानि को बांटते हैं 3:2:3 में, इस अनुपात में बांटते हैं। उसके बाद उनका सभी का 30 जून की सिचुएशन बता रहा है कि 30 जून को सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, उन्होंने सभी एडजस्टमेंट करने के बाद डिसीजन लिया अपने व्यवसाय को बंद करने का। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि उनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आती है ए की 10,000 जो फाइनल कैपिटल से, बी की 5,000, और सी की जो कैपिटल है वो नेगेटिव चल रही है 6,000। मतलब उल्टे सी को लाना पड़ेगा 6,000 अपने यहाँ से, लेकिन सी हो जाता है इंसॉल्वेंट, मतलब वो अपने घर से भी लाने की स्थिति में नहीं है। तो अब रूल होता है कि क्योंकि पार्टनर्स की होती है ज्वाइंट लायबिलिटी, पार्टनर्स जो होते हैं, ये फीचर होती है पार्टनरशिप की, दे आर इंडिविजुअली एंड ज्वाइंटली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। तो इंडिविजुअल भी होते हैं तो इंडिविजुअल अपना तो इनका जो लॉस होता देते ही, जो सी का लॉस है 6,000 रुपये, ये भी इन्हीं को देना पड़ रहा है क्योंकि सी हो गया है इंस्टॉलमेंट। अब इसके संदर्भ में यहाँ पे इन्होंने कहा कि गार्नर वर्सेज मरे के रूल को ध्यान में रखते हुए बताना है ऑप्शन। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए गार्नर एवं मरे, इनका रूल क्या है, गार्नर वर्सेज मरे रूल। तो इसका केस तो अलग है, वो डिटेल में टाइम चाहिए उसको बताने के लिए। गार्नर मरे विल्किंसन तीन पार्टनर्स थे, उनसे रिलेटेड है। तो इसमें रूल का जो फाइनल निचोड़ है वो देखते हैं, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के कारण जो भी लॉस होगा इज ए कैपिटल लॉस, वो होगा कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि होगा। विच शुड बी बॉर्न बाई द सोलवेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, जो कि सोलवेंट पार्टनर्स के द्वारा, सोलवेंट पार्टनर जो सक्षम पार्टनर्स हैं, जो ए और बी हैं, उनके पास 10,000-5,000 कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है, वो बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल रेशियो में। और कौन सा कैपिटल, स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन की डेट पर उनकी बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहा होगा। तो आज देखें कि सारी एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट में इनका कैपिटल उन्होंने बताया 10,000-5,000, तो यही स्टैंड कर रहा है, तो इसका रेशियो हो जाता है 10:5:2:1। तो ये दोनों 2:1 में बियर करेंगे। अब ऑप्शंस को देख लें आप, ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहला है इक्वल रेशियो, तो नहीं होगा। उसके बाद है 3:2, नहीं होगा 3:2 में भी। उसके बाद है 2:1, तो बिल्कुल 2:1 में वो दोनों बियर करेंगे कैपिटल रेशियो में। उसके बाद 6:9, नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉस, लॉस यानी कि जो होगा ड्यू टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट की वजह से, अगर डेब्ट हमारे बैड हो जाए, वो नहीं मिले पैसा, उसकी वजह से जो लॉस होना है उसके लिए हम प्रॉफिट में से पहले से ही कुछ अमाउंट रख लेते हैं बचा करके, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोविजन कहते हैं। जब हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए, जिनके बारे में हमको पता है कि ये होने हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो है वो एक्यूरेटली नहीं जाना जाता है, यानी कि जो लॉस है दैट इज सर्टेन टू हैपन, बट द अमाउंट है जो है वो
कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सफिशियंट एक्यूरेसी, वो हम सफिशियंट एक्यूरेसी के साथ तय करने में सक्षम नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोविजन। तो करेक्ट ऑप्शन इस केस में होगा क्या, प्रोविजन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन यानी कि लायबिलिटी नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम दरअसल है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले जो सबसे बढ़िया तरह से इसकी व्याख्या की, फर्स्ट क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन, वो दी नोबल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका के थे, पॉल सैमुअलसन। पॉल सैमुअलसन ने बताया कि तीन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, थ्री मेजर प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई, तो इसमें से उन्हीं को हम छांटेंगे और बाकी जो है वो नहीं है। तो देखते हैं जल्दी से, पहला है अनलिमिटेड वांट्स, तो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम है, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, हमेशा इच्छा बढ़ती रहती है, यही समस्या है। चॉइस बिटवीन वांट्स, चॉइस, हाँ अगली प्रॉब्लम ये है कि अब जो वांट्स हैं उनमें भी चॉइस रहती है, यानी कि अगर हमारे पास मान लो मिल्क हो, दूध हो, तो अब हमारे पास उसमें भी चॉइस है कि इस दूध का यूज हम कैसे करें, हम चाय में करें, पनीर में करें, खोया में करें, तो अगली प्रॉब्लम आ गई, नई प्रॉब्लम, कि उसका यूज किस चीज में करें। अगर उसका जो चॉइस नहीं रहता तब कम टेंशन रहती, कम तनाव रहता, तब तो एक ही काम में यूज करना है भाई, चाय पीनी है बस दूध का बना करके, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये अगली प्रॉब्लम आ जाती है, अब किस किस काम में खर्च करें उस सामान को जो आ गया है। सोशल इनजस्टिस, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो अनलिमिटेड वांट होती और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, हमारी वांट भी अनलिमिटेड है, जैसे ऑक्सीजन हमारे ग्रह पे, पृथ्वी पे ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में है, जितना हमें चाहिए उतने मात्रा में है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चले जाएंगे दूसरे ग्रह पे जहां ऑक्सीजन नहीं है तो सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, वहां पे प्रॉब्लम है, तो खैर वो छोड़ते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज ये नई प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड रहते हैं, कि हमें मनी चाहिए लेकिन मनी तो लिमिटेड है, हमें एसेट चाहिए, धन संपत्ति मकान चाहिए, लेकिन वो सब तो लिमिटेड है, तो यही प्रॉब्लम है, तीन मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमी की, अनलिमिटेड वांट्स, चॉइस बिटवीन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, आवश्यकताओं का चुनाव, असीमित आवश्यकताएं, ये समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, लेकिन जो सामाजिक न्याय है ये नहीं है, इसलिए दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना बहुत है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शामिल किए, और फर्दर डिस्कशन अगर आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे, या कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं जवाब जरूर दूंगा, हो सकता है जल्दी नहीं दे पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, और मैं वेट करूंगा आप कोई कमेंट करें, आप बताएं, शिकायत, सुझाव दें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मैं फिर से आऊँगा बाकी क्वेश्चन को लेकर के, और इसके अलावा हम और भी MCQ शुरू करेंगे, तो जो बेनिफिशियल होगा कॉमर्स के लिए। धन्यवाद।